जो गाड़ी पे लड़की हो अच्छा दयानंद आप क्या बोल रहे थे, बोले तो अच्छा देखे आपने कम से कम रोका भी नहीं कि हाँ केशव है रुकते हैं, है ना, संभल के ठीक। अच्छा हम भी जा रहे थे क्या, हम भी जा रहे थे हमारे अखिया के सामने आए थे, क्यों बोलते बता जगह ना अब निकल दिए हम रुक जा केशव मेरा जगह था क्या, नहीं ना ऐसा कोई नहीं। केशव केशव मेरा गाड़ी में जगह था गोदिया बैठ गया हम लोग बड़ी देखे रहे अरे थोड़ी आगे सामने तो अपने आदित्य जगह सर वो बाहर निकाल करके जगह अरे नहीं दोस्ती यार एक बार हो गड़िया हम चला रहे थे क्या एक बार हो हाँ मृत्यु के लिए क्या होती क्या पीछे बैठे थे ना देखे ओहो कूटे वास्ते कुछ दे सही है देखिए हो गया लिखे न्यू टाइप समझिएगा ठीक। हाँ ये वही वाला है a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट ठीक है। हाँ बट इसमें क्या है ना सुनिएगा बट इसमें क्या है कि रिजल्ट आपका कांस्टेंट नहीं होगा ठीक है। इसमें क्या है रिजल्ट आपका कांस्टेंट नहीं है ठीक है। जैसे पढ़ा है ना a इंटू बी इज इक्वल टू वो इधर इधर सुनिएगा पहला टाइप बताए थे कि इधर वाला अगर स्थिर रहे कॉन्स्टेंट रहे तो जिस रेशियो में ये बदलता है उसका उल्टा रेशियो में ये बदलता है। कल बताया था ये वाला ठीक क्लास वहां छोड़िए अभी यहां सुनिए अब क्या बोला गया सुनिए। अब यहां पर इसको और इसको दोनों को चेंज किया जाएगा ठीक है। दोनों चेंज किया जाएगा समझिए क्या बोला जाएगा। चीनी के पर केजी रेट में 20% का बदलाव हुआ। चीनी के पर केजी रेट में 20% का बदलाव हुआ पर केजी रेट होता है ना 20% का बदलाव मतलब 5 से कितना बढ़ा 20% बदलाव ना 20% बढ़ा तो 5 से कितना हो गया ये तो पता चल रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 पहले 5 था कितना हो गया 6 समझ रहे हैं ठीक 5 से 6 हो गया। जैसे ही रेट बढ़ा एक आदमी ने अपने उपभोग जो वो खाया करता था उसको 30% कम कर दिया ठीक है। मतलब उपभोग मतलब ये खाना था ये रेट था और ये उपभोग था ना है ना अपने उपभोग अपने जो डोज लिया करता था वो उसको 30% क्या कर दिया कम कर दिया मतलब 3/10 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरा 3/10 मतलब पहले 10 था 3 का कमी कर दिया कितना हो गया 7 ठीक। तो बोलेगा बताइए उसका कुल खर्च में कितना परसेंट का क्या हुआ कमी हुआ या वृद्धि हुआ क्या हुआ ठीक है। तो सर ये रेट ये है 10 कितना हो गया 50 ये कितना हो गया कितना कमी हुआ 8 का कमी हुआ कितना में 50 में इंटू 100 ये गया 2 कितना हो गया 16% का क्या हुआ उसका खर्च में कमी हुआ समझ में आया ये वाला हाँ क्लास है ठीक। सुनिए कोनो बैठे ना दिखना देखना दिक्कत होगा आप नहीं कल तो आए थे क्लास है देखिए 20% की वृद्धि हुई मतलब 1/5 एक आदमी सुनिए
चावल के पर केजी रेट में 20% की वृद्धि हुई। मतलब 20% मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। ठीक है। जैसे ही रेट में वृद्धि हुई, एक आदमी ने अपने उपभोग जो खाना खाया करता था, वो चावल जो खाता था उसमें कमी कर दिया। बोला दूसरा रेट वो बढ़ा है, हम कमी कर देंगे खाना। ठीक है, पहले 10 फिर कितना? 30% ने कमी कर दिया, मतलब 3/10। पहले 10 था, उसमें 3 का कमी किया, कितना हो गया? 7। मतलब पहले रेट 5 रुपए पर केजी था, मान लेते हैं इसके बाद 5 रुपए पर केजी था, 10 केजी खाया करता था तो कितना खर्चा था? 7। अब बढ़ गया, 6 रुपए पर केजी हो गया, तो अब 7 केजी खाता है तो कितना खर्चा होता है? कितना कमी हो गया? 8 कमी हुआ। किसमें कमी हुआ? इंटू 100। समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया आपका कितना? 16% आंसर। तो ये है टाइप, सुनिए को बनाइए, सुनिए। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 61 में, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है। 61 बोले तो, क्वेश्चन नंबर 61, 60 छोड़ने बोले हैं अभी ना, इस टाइप का आगे 50-20 क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए 61 वाला, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। 36% मतलब 9/ 36.36% का था 9/11, इसका 9/25। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ देखिए, 36% 36/100 मतलब 9/25 होगा। 4 से 36 9 बार में, और 100 कितना? 25 बार में जाएगा ना। ठीक है, क्लास क्या कर रहे हैं आप, काहे देख रहे हैं? बोल रहे हैं यहां सुनिए तो। हाँ, यहां देखिए, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। 36% का मतलब, 36% का मतलब 9/25, मतलब पहले 25 था, 9 का वृद्धि हुआ, कितना हो गया? 34 हुआ ना। फिर क्या बोला है? बोला है खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी कर दिया। बोला कि साला जैसे रेट वो बढ़ा, जो पहले वो मात्रा खरीदा करता था उसमें 30% का क्या किया? कमी कर दिया। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। पहले 10 खरीदा करता, 7 का कमी तो कितना हो गया? 3 का कमी तो 7। समझ में आया ये बोला? तो पहले उसका खर्चा कितना था? 250। अब उसका कितना खर्चा है? 210 और 28 200 है ना। कोई दिक्कत यहां तक? सभी को क्लियर है? सभी को? उपेंद्र? हाँ ठीक। मतलब पहले उसका रेट था आपका 25 रुपए पर केजी, 10 केजी खरीदा करता था तो कितना खर्च, कितना खर्चा था? 250। सही है सर। 36% बढ़ा, पहले 25 था, 25 का 36% 9 बढ़ा तो हो गया 34। अब हो गया है 34 रुपए पर केजी, तो अपना खानवा कम कर दिया। मतलब पहले 10 खाते थे, अब 7 खाएंगे, क्योंकि 30% कमी कर दिया। तो अब कितना खाता है, कितना रुपया खर्चा होता है? अच्छा, हम 4-5 चीज बोलेंगे, उंगली हम सही जगह रख रहे हैं कि नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ, पहले पहले उस वक्त पहले चावल का जो रेट था वो क्या था? 25 रुपए। अब वो जितना केजी चावल खाता है वो कितना है? 7 है ना। पहले जो उसका खर्चा था ये था ना, ठीक है। अब जो रेट हो गया है वो कितना हो गया? कितना खाता है? 7। सुनिएगा, पहले रेट था 25, 10 केजी खाता था, खर्चा इतना होता था, ठीक। अब सुनिए, 36% बढ़ा तो रेट हो गया इसका 34, 30% घटा दिया हो गया कितना खाने का, कितना खाना कर दिया? 7 केजी।
अब कितना होता है, कितना कमी हुआ, 12 कमी हुआ किसमें, इंटू 100। 50 से जाएगा ये 5 बार में, 50 से जाएगा ये 2 बार में, 12 दूनी 24 बटा 5, 4.8% का कमी आया है, डिक्रीज कमी आया ना खर्चा में, समझ में आया ये वाला अच्छा से, ठीक सुनिए बनाइए मत अभी, अच्छा बनाने पड़ेगा, बनाइए इसको, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सेम टू सेम है 63 नंबर, ठीक है, हाँ 63 नंबर, अच्छा पहले उतार लीजिए, पहले सब उतार लीजिए, गुड़िया विपन जगदीश शालिनी सूरज पांच, अरे वो कन्ने खो गए क्या वो, आपकी फ्रेंड कहाँ खो गए हो, ठंडा ठंडा न गर्मी लग रहा है, क्या बोल रहा, अभी चलिएगा पिकनिक जाएंगे अभी नया जगह, कैलाश चलते हैं आप भी हो, ना ना पापा अभी नहीं, अभी कम से कम तो 5-6 साल तक ना, हाँ क्या कौन ना जाएंगे, अब हम कैसे बोल दें क्लास में, कैसे बोले थे कि दिल्ली आते भोरे भोरे बोलते कैसे बोलते हैं क्या कि सर मेरा विश्वास कैसे, भले रेंगते रेंगते हम आ जाएंगे लेकिन छुट्टी कर दीजिए सर, अच्छा अब्दुल भी, अब्दुल तो जमशेदपुर गए, हाँ तबियत को उनकी मम्मी का दीदी की तबियत, हाँ मजा तो बहुत आया, हाँ गए होंगे है लेके अच्छा जगह, चलिए मिटाएं, उतारिए जल्दी उतारिए बच्चा, मंगोली एग्जाम खत्म, देखिए पहला बात आप लोग सभी लोग, मयूरी मोबाइल है ना आपके पास, आपके पास ही मंगोली, जब तक इसका कम से कम 7 से 8 वीडियो हुआ है आप लोग को बैठ करके देखना होगा, बनाए सबका बना हुआ है, चलिए आए देखिए मिटावे, अब आइए अगला क्वेश्चन, जीना सिर्फ मेरे लिए, देखिए नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, 63 क्वेश्चन मिला, क्या खोज रहे हैं, प्लेस प्लेस खोज रहे हैं क्या, प्लेस नहीं है क्या, कैसे नहीं है,
नहीं जी, ऐसे कैसे? हाँ वो तो अलग, कैसे नहीं हो, देख से ट्राई कर, देख ले देख ले। क्या परसेंटेज न्यू है तो न्यू दिख रहा है, परसेंटेज न्यू शो कर रहा है। अरे तो मेरे में शो कर रहा है, लेकिन हम में शो कर रहा है। अगर नहीं शो करता ना तो ऐसे कर लिया कीजिए, पता है? यहाँ देखें वीडियोस में जा करके ये परसेंटेज देख लिया कीजिए, है ना? देखिए लिखा हुआ परसेंटेज पार्ट वन पार्ट टू सब लिखा हुआ है, सब लाइन से है। देखिए परसेंटेज, यहाँ देखिए परसेंटेज पार्ट वन है ना, डेट नहीं पार्ट वन पार्ट टू लिख दिए हैं। वीडियोस कीजिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस में जाइए ना, वीडियोस में है ना। चलिए यहाँ देखिए क्या ची? क्या नाम, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आगे आगे सुरेश चंदन आलोक यहाँ देखिए 62 अलग है, हम बता रहे हैं सेम ही है, मतलब वही है पर कहानी अलग है खाली, यही ए टू बी वाला ही। तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। मूल्य में 20% मतलब 5 से क्या हो गया? 6। यही है। अब देखिए दिया हुआ है इसकी खपत, मतलब जो खाता था उसमें क्या कर दिया है 18.33। 1/3 क्या बोलते हैं? 33 बोलते हैं ना। यहां देखिए यहां पर सब 18.33% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसको ब्रेक करने आता है, इसको कर सकते हैं 10% में। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका 1/12। एलसीएम कितना 60, ये कितना 6 और ये 5, 11/7 हुआ ना। क्लास में आया ये वाला? हाँ तो मत देखिए अब ध्यान, पता नहीं कहाँ ध्यान हुआ आपका ना, सुना नीचे मोबाइल देखना जरूरी है। यहाँ देखिए ना, जब सबको बता रहे हैं सबको कि जब भी पढ़ा रहे हो उस समय आँख यहाँ होना चाहिए ना कि मोबाइल में, समझे? यहाँ देख सर, रेट में 20% की वृद्धि हुई तो 5 से 6 हो गया, और खपत में 18.33% का कमी कर दिया। जैसे रेट बढ़ा तो खपत क्या कर दिया? कमी कर दिया। तो कमी कर दिया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, 10% प्लस 8.33% में ब्रेक किए, जो कि हो गया 10% का कितना हो गया 1/10, ठीक है, और इसका होता है 1/12। तो हो गया इसका एलसीएम लिए कितना 60, जो कि हो गया 11/60। मतलब पहले 60 का उपभोग किया करता था, 11 का कमी आया तो अब कितना करने लगा है 49। यही ना, ठीक है, समझिए मेरा बात को। आपको ये बताए थे, सुनिए, कि परसेंटेज को आप, अरे उनका कॉपी मोबाइल सब छीन के देख कीजिएगा, आए कीजिए
कॉपी मोबाइल और पेन सब सब उधर कीजिए। ना ना अभी तुरंत कीजिए तुरंत। हाँ मोबाइल बोलो दीजिए, मोबाइल उधर कीजिए, मोबाइल आप मोबाइल लीजिएगा इनसे। हाँ लीजिए मोबाइल और कॉपी इनको दीजिए, इधर कीजिएगा इधर इधर कीजिए। हाँ याद देखिए अभी जो बताने जा रहे हैं ना उसको ध्यान दीजिएगा ठीक। कि यहां पर आप लोग बताए थे कि परसेंटेज निकालने के लिए आप रियल वैल्यू पे काम कीजिए या रेशियो पर काम कीजिए, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा, यही ना। कि अगर रियल में कि एक आदमी के पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी के पास 120 रुपया है, तो 20% अधिक है। अगर इसको रेशियो में करेंगे तो ये 5 और 6 आएगा, अभी भी तो 20% अधिक है ना। तो सर परसेंटेज में आप रियल पे काम कीजिए या फिर रेशियो में काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम, ये आपका बोला गया है, ये आपका रेट है, ये आपका खपत है, रेट है और ये क्या है खपत, ये पिछला रेट पिछला खपत, ये पिछला रेट और अभी जो खाता है खपत 100 है, यही ना। तो सर रेट 5 है, खाता इतना है, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा, 5 × 60 आएगा, यही आएगा ना। और ये क्या आएगा, ये आएगा 6 × 49, यही आएगा ना। तो काहे मल्टीप्लाई कर रहे, काम करते हैं रेशियो में ही कर लेते हैं ठीक है। सर यहां पर लिखिए और ऐसे करके 49 यहां कीजिए, यहां कीजिए, बताइए देखिए है ना, ये 6 से ये गया 10 बार में ठीक है, जैसे ये काटिएगा ना 10 बार में तो क्या आ जाएगा, 50 और ये 49 आएगा, आएगा ना। तो पहले 50 के अनुपात में उसका खर्चा हुआ करता था, अब किस अनुपात में होता है 49, कितना कमी आया 50 में इंटू, तो कितना परसेंट का कमी आया है, अरे ध्यान से गलती से लिख दिया था, वो बोल दीजिए क्या 2% ठीक है ऑप्शन में ठीक, उतारिए इसको, आपको नहीं उतारना आप उतारिए, इनका देख लीजिए कॉपी है, ये आप खाली यहाँ घूर घूर के यहाँ देखिए, ठंडा लग रहा है, बनिएगा इसको कैसे, मुक्ति समझ में आ रहा है ना, मोर्चा में चल रहे थे ये परसों, इनके साथ पूरा आर्मी था, वन वेमेन आर्मी क्या पारस सुना है ये वाला, अच्छा से समझने पर ध्यान दीजिएगा पहले, समझ चलिए बाहर हल नहीं। वहां लेकिन किकरो साथ में रहता है ना, ये हो टोन मारने इन्हें पीछे चुकते हैं है ना, और ये हो लोग एक लेकिन हाँ दोनों बोट बोलते हैं बाकी हमारा खाली नहीं बोलिएगा, सर देखिए की बोल रहा है, सर देखिए वो बोल रहा है, हमारा खाली कोई ना बोलेगा रहते हैं, हाँ लड़के मर जाओ कट जाओ, हमको खाली नहीं बोल रहा, खाली कोई किसी को फलाना वो बोला हमारा बस चलिए यहाँ देखिए बताएं अगला क्वेश्चन देखिए लिख लीजिए, आलोक बुझाया, सुरेश, अरे राहुल ओकरा कुछ दे भाईवा का पड़े ठंडा से, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहां सुनिए, यहां देखिए, यहां पर मुक्ति बस हो गया। सुनो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, हाँ पीछे ही सुनिए। बोला गया है बसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% कार्य समय 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया है, उसकी दैनिक आय में क्या होगा? सुनिए मेरा बात, देखिए देखिए, एक आदमी पहले हर घंटे 10 रुपया कमाया करता था, ठीक है, और 10 घंटे वो काम भी किया करता था। हर घंटे वो 10 रुपया कमाया करता था और कुल मिला करके वो 10 घंटे काम किया करता था, तो वो कितना कमाता था? 100 रुपया कमाता था, है ना सुरेश? यहां देखिए कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो यहां देख लीजिए, रामायण लिखा जा चुका है। खाली बता करके हम निकल दें तब मजाक नहीं करते, अच्छा खासा नालायक लोग को समझ में ना आए, सबका ध्यान हुआ इन्नी 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 ना, देखिए मफलर पीछे परेशान है, अरे स्मार्ट लग रहे हो, अरे पीछे लगा ले इधर में किसी, तू तो ओकरे पीछे पड़ जो, आ तो ओकरे पीछे पड़े दोनों, है ना, do you exception है इधर, थोड़ी हटाइए मुझे, यहाँ देखिए वो दोनों बोल रहे हैं, कोई और मत बोलिए, चलिए यहाँ देखिए हम एक चीज आपको सबको बता देते हैं, सुनिए मेरा बात, पहला बात ठीक, हर एक आदमी को मजाक हजम होता नहीं है और हर एक बहुत आदमी को सीरियस हो जाता है, तो जो आदमी को मजाक हजम नहीं होता है वो कृपया वो पहले ही बोल दें, है कि नहीं, कि हमको इस मैटर में मजाक हजम नहीं होता है, कृपया मेरे से बात इस मैटर में बात ना करें, हाँ है ना, आराम से बोल दीजिए, वो 100 जन्म तक आपसे बात करने नहीं जाएगा, हाँ हाँ नहीं नहीं 100 जन्म तक बात करने नहीं जाएगा, अगर खाली आप बोल दीजिएगा, अब बोले भी नहीं सामने से मजाक करने आया आप हम आगे, तब ये गलत है ना, तो आप बोल दीजिए कम से कम कि हाँ हमको ये चीज का मजाक पसंद नहीं है, इससे मत करना, हाँ तब देखिएगा वो खुद ही बोलने नहीं आएगा, है ना। चलिए सुनिए क्वेश्चन, सुनिए, जैसे अगर एक आदमी प्रति घंटे 10 रुपए कमाता है और वो 10 घंटे ही काम करता है, थोड़ा कितना रुपया कमाएगा? 100 रुपए कमाएगा, ठीक। अब क्या हुआ समझिएगा मेरा बात, प्रति घंटे ये 10 और ये 10, अच्छा ये 10 क्या था उसका, ये था प्रति घंटे उसकी कमाई, प्रति घंटे उसका वेतन, यही प्रति घंटे उसका वेतन, यहां वेतन दिया हुआ, प्रति घंटे उसका वेतन मतलब कमाई, ठीक है, और ये था उसका कार्य समय, यही ना, हाँ डेढ़ घंटा, जब उसका प्रति घंटा वेतन और कार्य समय, प्रति घंटा वेतन और कार्य समय को मल्टीप्लाई किए तब उसका आय, उसका इनकम आ गया ना, यही तो यही है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रिजल्ट, कॉन्स्टेंट नहीं रिजल्ट, रिजल्ट a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, क्योंकि सर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, तो क्या आ रहा है मेरा कुछ रिजल्ट आ रहा है, यही ना। अब यहां की देगा पता है, बोला है एक आप उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, एक आदमी का प्रति घंटे वेतन 20% बढ़ गया, 20% मतलब 1/5, मतलब पहले वो 5% कमाता था, अब कितना कमाता है? 6, यही ना, पहले उसका वेतनवा जो हर घंटे था वो 20% बढ़ गया, मतलब 20% फ्रैक्शनल 1/5, मतलब पहले 5 के अनुपात में कमाया करता था, अब हर घंटे, यही ना, फिर शुरू कर दिया हुआ था
कि कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। प्रतिदिन जो कार्य करता था ना वो कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15/100 5 × 15 5 × 120 बार में आएगा। 15% इज इक्वल टू 15/100 नलायक लोग। तो ये 3 और ये 20, मतलब पहले 20 के अनुपात में कमाता था, अब किस अनुपात में, 3 बढ़ गया ना, 23। पहले यहां देखिए, हर घंटे 5 रुपया कमाता था और 20 घंटे काम करता था, तो उसका कमैया कितना था, 100 था। 20% कार्य सम कितना वेतन वो बढ़ गया, हर घंटे वेतन वो बढ़ गया 20%, मतलब 6 हो गया। कार्य समय यो बढ़ गया, कितना हो गया, 23 घंटा। तो अब कितना कमाएगा, 138 कमाएगा। कितना परसेंट बढ़ गया, 38% बढ़ गया। 100 से 38 हो गया, 138 हो गया, 38% बढ़ गया। बस आंसर वही होगा। तो ये वाला फॉर्मूला टाइप 3 करके ये याद रखिएगा, टाइप 3 लिख दीजिएगा और ये याद रखिएगा, हाँ, पर आवर उसका वेतन लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, पर लिख लीजिएगा पर आवर वेतन इनटू नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ आवर इज इक्वल टू इनकम। हाँ यही ना बताया अभी, पर आवर उसका वेतन अगर 10 रुपया है और 10 घंटे काम करता है तो कितना कमाता है, 100 रुपया कमाता है, वही ना बताया अभी। तो टाइप 3 करके ये लिख लीजिएगा, आया ना, देखें हाथ हम जब कॉपी पेन लगे समझ में, कैसे समझ में आता है सो? ध्यान वहां नहीं भटकी हो तो एक बार समझ में आ जाएगा। लर्नर्स पॉइंट का वीडियोस में जा करके परसेंटेज Part 1, Part 2, Part 3, Part 8 तक आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत पैटर्न बचा हुआ है अभी। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से। क्या हुआ, पहले 100 खर्चा करता था, अब 138 खर्चा करता, मतलब कमाता था 100, अब कितना कमाता है, 138। कितना वृद्धि हुआ, 38 का हुआ, 100 में इंटू 100, 100 गया, 38% बचा। चलिए सुनिए, इस पर क्वेश्चन अपने से बनाते हैं और भी, ठीक है, सब लोग यहां देखिएगा। एक आदमी का प्रति घंटे वेतन अपने से बना रहे हैं, चलिए सुनिए, एक आदमी का प्रति घंटे वेतन में 33.33% की वृद्धि हुई, मतलब पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4, यही ना, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 वृद्धि हुआ है। जैसे ही उसका वेतन में वृद्धि हुआ, उसका कार्य समय में भी वृद्धि हो गया, कार्य समय में उसका 20% का वृद्धि हुआ, मतलब 1/5, पहले 5 के अनुपात में काम करता था, अब 6 के अनुपात में वो काम करता है, यही ना।
तो पहले कितना कमाया करता था? आप कितना कमाता है? 24, है ना? रेशियो में करेंगे तो ये 5 बार में, ये 8 बार में, 3 से काटे ना, तो 3 का वृद्धि हुआ कितना में? 5 में इंटू 60% आंसर आया। समझ में आया सबको ये वाला? नेक्स्ट देखिए, जैसे बोला गया है सुनिएगा, एक आदमी का प्रति घंटे वेतन में 40% की कमी हुई, 40% का कमी हुआ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब पहले 5 के अनुपात में कमाता था, अब 3 के अनुपात में कमाता है। जैसे ही वेतन में कमी किया, ये अपना कार्य समय में भी कमी कर दिया, ठीक है? तो 33.33% क्या कर दिया है, वो कमी कर दिया, ठीक है? मतलब पहले 3 के अनुपात में काम करता था, अब 2 के अनुपात में काम करता है, यही है ना? ठीक, तो रेशियो में कितना हो जाएगा ये 15, और मतलब पहले 15 कमाता था, अब कितना कमाता है? ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ठीक है? कितना कमी हुआ है? 5 में इंटू 100, ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 60%। सेम में आया क्या यार? हाँ ठीक, अभी कमी हुआ ना, ठीक, अभी उसमें बढ़ोतरी हुआ, ठीक, समझ में आ रहा है ये टाइप? एक व्यक्ति की दैनिक आय में, मतलब पर घंटा इनकम, एक व्यक्ति का पर घंटा इनकम में 37.5% की वृद्धि हुई, कितना परसेंट की? 37.5, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 से कितना हो गया? 11। जैसे ही उसका प्रति घंटा वेतन में वृद्धि हुआ है, प्रति घंटा वेतन में वृद्धि हुआ है, ठीक है, वो अपना कार्य समय को 18.18% कम कर दिया। ओटीपी पहुंचेगा तो अच्छा, इधर बैठ जाइए, हो इधर से जाइएगा, क्या बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं सब पीछे से, जा जाइए इधर से, जाइए सब लोग, सके तो इधर बैठ जाइएगा, ठीक। हाँ ठीक है, देखिए 37.5% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 11। जैसे ही उसका वेतन में वृद्धि हुआ, तो वो अपना काम में भी क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया, चलो अब काम भी बेसी करेंगे, है ना? तो 18.18% का वृद्धि कर दिया, जिसका फ्रैक्शन होता है 2/11, यही होता है ना, 2/11 होता है, मतलब पहले 11 का अनुपात में काम करता था, 2 बढ़ गया तो कितना? अब 13 का अनुपात में कर दिया, है ना? तो दैनिक वो कमाई उसका कितना, ये था 88 इंटू, नहीं कीजिए कभी कभी, 8 × 11 और ये 11 × यही है ना, रेशियो में करेंगे तो 11 11 जाएगा, कितना का वृद्धि हुआ है? 5 का हुआ है, किसमें? क्या बोलते हैं इसको, 62.5% बोलते हैं, बस यही हो गया मेरा वृद्धि। इससे वैसे अब कितना क्वेश्चन कीजिएगा, अपने सीधा सा टाइप करवा दिए, इतना सारा क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप पर, है कर दीजिए, लेट हो जाएगा एग्जाम, तब मत कीजिए, जो बताएं उसको कीजिए, चलिए बनाइए आगे सब लोग, जब नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इस तरह से कीजिए, अभी उसने बताया इंटू करके, इसने बताया इंटू नहीं करके, खुद ही है, उतारिए सब लोग जल्दी इसको, उतारने जरूरत है क्या, उतारिए क्या, हाँ हाँ देखिए, प्रॉफिट हुआ 5 से 8 हुआ, ये 5 से 2 कमी हुआ, इसमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ।
मुक्ति आपके लिए पर्सनल ट्रिप कैसा था? जनता जानना चाहती है। मुक्ति अभी मेरा केवल पहला बैच में नहीं, इस बैच में और उस बैच में भी फेमस है। तो छोड़ेंगे ना हम तेरा हाथ, ओ साथी मरते दम तक। क्या हुआ? नहीं तो मुक्ति मेरा बड़ी सीधा आदमी, तारीफ कर। ये बताते हैं ठीक, हम लोग कितना मजाक उड़ाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप सही है, समझे? सिंपल सा बात, उस हिसाब से हमको तो जहर खाना चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा धरती पर लोड नहीं लेना, अपना कर्म किए जाना, आपका कर्म सही। अच्छा एक मिनट मुक्ति, आपका और बिमल का, आप नहीं, आप नहीं मतलब आप बिमल है, आप लोग दोनों वन टाइम पेमेंट करने वाले थे, आपका 21 तारीख हो गया ठीक है, आपका भी है ना ठीक। यहाँ देखिए आप लोग, बाकी लोग अपना अपना डेट देख लें, पहला बैच से कम 8-10 लोग किए हुए वन टाइम, सीधा एक बार ज़्यादा फायदा में रहिएगा आप लोग। 5 लाख बोलते हैं, 5 क्या, 500 होगा नहीं, 5 लाख तो हो नहीं सकता है, वही बचा ठीक है। आपका अजीत, प्रेम, टिंकू भी तो किए हैं जी, हाँ कितने बार किए थे? नीतीश, ये देखिए एक बार पेमेंट करने के बाद आराम से आए हैं, कितना, 7 महीना के बाद दे दिए ना, जाएंगे फिर आराम से, क्या टिंकू हाँ मारेंगे धुनैया देंगे ना। नहीं वैसे भी जब लगाएंगे ना अभी डिजिटल बोर्ड तो मंथली किसी का नहीं रखेंगे, आप लोग तो हो गया, मंथली किसी का नहीं रखेंगे। हाँ अभी देखिए, एज ए बिजनेसमैन नहीं, एज ए ह्यूमन बोलते हैं ठीक है आप लोग, ठीक है एज ए ह्यूमन बोलते हैं आप लोग को कि वन टाइम पेमेंट करने आप लोग का सही है, क्यों बताएं ठीक है, क्योंकि आप लोग का एडवांस ही चलेगा 6 महीना से ऊपर, आप लोग का एडवांस चलेगा 6 महीना से ऊपर ठीक है, और अरिथमेटिक मैथ आप लोग का चलेगा, आप लोग का बेसिक तो वैसे भी पूरा कचड़ा ठीक है, आप लोग का बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा हमको करवाने में 7 से 8 महीना लगेगा, समझे? तो आप समझ लीजिए आप लोग का कितना बेनिफिट है। अब एज ए बिजनेस मैन हम बोलते नहीं, मछली भी ठीक है ठीक है, सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप लोग देना चाहते हैं वैसा कीजिए, अब हर चीज में तैयार है ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब थे तो हल्का कम रखे, धीरे धीरे करके बढ़ा, बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए, टाइप 3 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 4 बहुत टाइप है जी, परेशान हो जाइएगा।
आज तक पेन दीजिएगा। लिखे हाँ विमल, कब होगा आपका? दो दिन में। टाइप फोर लिखिए, जो समझाते हैं वो समझिएगा। मेरा दूसरा बैच से पता है हमको क्या क्या ब्लेम आ रहा है, पूछे कौन थे सामने नहीं थे तो सर, देखिए ये लोग पूछे दूसरा बैच में बताए भी किए थे साफ साफ हम ना ना वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे चलिए बैठिए। सुनिए देखिए इन लोग हम दूसरा बैच में ही बोले थे कि आप लोगों को जितना बेस्ट बता रहे हैं ना उतना उन लोग का बैच में भी नहीं बताए थे। हमको पहला बैच वाला ये क्या बोल रहा है पता है कि आपका वीडियो देख रहे हैं सर, पहला बैच में आप ऐसा नहीं बताया था, यही बता रहे। सुनिए ध्यान से, टाइप फोर लिखें। अब देखिए क्या है इसमें ना, इसमें कहानी क्या बनेगा, कहानी ये बनेगा वही a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला ही है। कहानी आपका ये है कि एक आदमी, सुनिए, चावल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, चावल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है ठीक है, चावल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है। सुनिए ध्यान से, एक आदमी क्या करता है ना, 60% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है। एक आदमी क्या बोलता है कि अपना मेरा जो खर्चा है ना उसको हम मात्र 40% ही बढ़ाएंगे। देखिए समझिएगा, पहले पहले सुनिएगा, पहले कुछ खाता होगा, पहले कुछ रुपया खर्चा करता होगा और कुछ खाता होगा, है ना, पर केजी कुछ रेट होगा और कुछ खाता होगा, उसको मल्टीप्लाई करता होगा तब उसका खर्चा आता होगा, यही ना। यहां पर रख रहे हैं पर केजी, उसका खर्चा पर केजी का यहां रख रहे हैं जितना वो खाता था और वहां रख रहे हैं जितना वो खर्चा करता था, कोई मिला करके पर केजी 10 रुपया है, अगर 10 केजी खाता है 100 रुपया खर्चा करता है तो कुल मिलाकर के अब क्या हुआ, यहां समझिएगा, अब जैसे यहां पर इसमें क्या हुआ ना कि रेटवा 40% बढ़ा, रेट कितना बढ़ा 40% बढ़ा, ठीक है, रेट कितना बढ़ा 40%, रेट बढ़ा आपका 40%। एक आदमी क्या बोल रहा है कि साला रेट 40% बढ़ा ना, ठीक है, सब भूल करके रेट कितना बढ़ा 40%, ये बोला साला खर्चवा हम नहीं बढ़ाएंगे उतना, खर्चवा हम 20% बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा रेटवा अगर 40% बढ़ गया और खर्चवा 20% बढ़ाया, रेट कितना बढ़ गया 40% और खर्चवा कितना बढ़ाया 20%, ठीक है, इसका मतलब जो खाता था उसमें कमी किया होगा ना, अब कम खाता होगा तभी तो खर्चवा कम आया, तभी तो खर्चवा कम बढ़ा। सर यहां देखिए रेट कितना बढ़ गया 40%, रेट 40% बढ़ गया और खर्चा कितना बढ़ाया है 20%, क्यों, क्योंकि जो खाता था ना उसमें ही कमी कर दिया है, बोला कम खाएंगे तो कम खर्चा हो, है ना, हल्का कम खाएंगे कम खर्चा होगा। सर समझिएगा, तब मेरा मूड मूड करेगा इसमें 3-4 को भयानक भयानक क्वेश्चन करवाने का, वरना मेरा मनो न करे करवाने का, समझे नाम दो तीन क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। सुनिए एक व्यक्ति, सुनिए अब चावल की रेट में 40% की वृद्धि हुई, चावल का रेट में 40% का वृद्धि हुआ, ठीक है, एक आदमी अपने उपभोग में, समझिएगा रेट मतलब यहाँ उपभोग मतलब यहाँ, उपभोग में कितना परसेंट का कमी कर दे ताकि जो खर्चवा है वो मात्र 20% बढ़े, खर्चवा है सो मात्र कितना बढ़े 20% बढ़े, ठीक है, तो जानते हैं कैसे होगा, सुनिए
सर उपभोग रेट में 40% का वृद्धि हुआ है ना, मतलब 5 से कितना हो गया 7। सबका दिमाग ये काम कर रहा है हाँ? कैलाश उपभोग में कितना परसेंट का कमी कर दे, कुछ तो कमी किया होगा ताकि खर्चवा इधर लिखते हैं ना इक्वल टू इधर, ताकि खर्चवा मात्र 20% का वृद्धि हो, मतलब 5 से कितना हो 6 हो, है ना? ठीक है, कमी कुछ होगा और कुछ होगा, है ना? तो आपको यही तो निकालना है। अगर सपोज दैट कि ये निकल जाए ये निकल जाए तो पता चल जाएगा ना कितना कमी किया सो। आदित्य क्या हुआ? देखिए यार ध्यान समझिएगा, ठीक है, रेट पर केजी इनटू खपत आता था मेरा खर्च, है ना? अब क्या बोला गया है कि रेट में 40% की वृद्धि हुई, रेट में 40% की वृद्धि हुई, 5 से कितना हो गया 7। ठीक, एक व्यक्ति बोल देगा, एक व्यक्ति अपने व्यय में, व्यय मतलब खर्च, एक व्यक्ति अपने खर्च में मात्र 20% ही बढ़ाना चाहता है, मतलब 5 से कितना करना चाहता है 6। ठीक है, तो बताइए उपभोग में, उपभोग यही था ना, उपभोग में कितना परसेंट का कमी करेगा, यही मतलब ये एक्स और ये वाई निकालना है। क्योंकि अगर सपोज दैट कि ये सब मिटा, सब हटा दें, सब मान लीजिए हट गया ये सब, और ये निकल जाए आपका 8 और ये निकल जाए 5, तो पता चल जाएगा ना 3 का कमी किया है 5 में उपभोग में। इसका मतलब कि हमको एक्स और वाई निकालना है। सर ये कैसे नहीं? ये याद है 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, है ना? तो सर 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1, x आएगा 1, और ये y इज इक्वल टू 6/7 होगा, होगा ना? मतलब x इज टू y, सर रेशियो में करें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है और ये y कितना है 6/7 है, 7 जाएगा इधर, तो 7:6, एक्स कितना आ गया और ये कितना आ गया 6 आ गया ना? मतलब कितना का कमी कर रहा है, एक का, किसमें, क्या बोलते हैं इसको, 14.28%। समझ में आया ये वाला? ये टाइप 3 क्या था, टाइप 4 क्या था, सब टाइप अलग अलग हो रहा है ना, सब टाइप अलग अलग है, है ना? बहुत टाइप है सर इसमें, ये वॉल्यूम में आएगा, इनटू 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 दो बार इनटू करके आएगा, मतलब ये एक और आएगा। तो अब बताइएगा, मतलब जहां दिक्कत होगा खाली पूछ लीजिएगा, बिना समझे आगे नहीं बढ़िएगा, रोक करके पूछ लीजिए। सर समझने का पैसा दे रहे हैं ना, कि हमको स्पीड बढ़ाने का पैसा दे, समझने का ना, तो उसको वसूल कीजिए, समझे? स्पीड बढ़ाने का पैसा नहीं दे रहे सर, समझने का पैसा दे रहे हैं, समझ के आगे बढ़िए, समझे? ये सब क्वेश्चन जो यहाँ करवा रहे हैं बाहर वही करवाया जाता है, ग्रीडी फेमस नहीं है, इसे नहीं समझ में आता, समझिए इसको, बताइए इसको सब लोग। अच्छा सर अभी 2-3 और करो क्वेश्चन करवा देंगे। अरे ध्यान इलायची दिए थे ना,
मंगोली और मयूरी आपको दोनों वीडियो देख लीजिएगा, समझे? परसेंटेज पार्ट वन पार्ट टू सारा देख लीजिएगा, समझे? हाँ, हम दिखा देंगे अभी कहाँ पर है उसको। नीलम देख लीजिएगा, एबसेंट वैसे ही करने मन कर रहा है आजकल ना। हाँ तो जल्दी गिरने में भी समय नहीं लगेगा ना। एग्जाम्पल है मेरा चंदन ही है ना, पीछे बैठे हुए हैं हमारे, है ना? शुरू में एकदम हाँ कायला, क्या दिक्कत? नहीं नहीं बाद में, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कुछ ही कर रहे, बैठी बैठी कहीं नहीं जाना, बैठे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, बैठे यहाँ पर। चंदन को देखिए, इतना रेगुलर थे, एक महीना डेढ़ महीना दो महीना तक रेगुलर रहते ना, एक कोई दिन एब्सेंट नहीं किए थे। चंदन मेरा जब गिरे तो वापस से उठने में समय लगा, अब पता नहीं। प्रिंस देखिए लगातार शुरू शुरू में थे, है ना? एक बार गिरा। हर्ष जो आते हैं, हर्ष है ना, शुरू में खतरनाक रेगुलर, बीच में दादी उसके एक्सपायर की थी, एक महीना एब्सेंट रह गए थे, उसको उठने में समय लग गया उनको, अब जा करके उठे। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन करने से पहले कुछ और की बात है, ठीक है? देखिए इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है? इसका एक ट्रिक ये है, केशव अभी भी आपको हम बता दे रहे हैं, अभी भी आपको हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। आपका पढ़ाई में ध्यान, आंख दिमाग यहाँ है ही नहीं, नहीं नहीं आप ये बात भाई अभी भी हम बता रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है? राहुल नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक? अब हम बताते हैं आगे चल करके, है ना? कुछ कुछ लोग अभी यहाँ पर तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे छोड़ देंगे, और उसमें अभी दिक्कत में नाम आ रहा है वो आप ही का आ रहा है, क्यों बताएं? आपको एक महीना के बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, समझे? क्या हो रहा नहीं समझ में आएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पैर नहीं टिकेगा, देख लीजिएगा। प्रिडिक्शन हो जाता है कभी कभी सही, समझे? समझिएगा मेरे बात को, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है? ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ट्रिक ये है कि एक आदमी चावल के रेट में 40% की वृद्धि हुई, चावल ये फिक्स जो हम बता रहे हैं उस पर खाली ध्यान दे दीजिएगा, एकदम सॉलिड क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, एक बार में इतना कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगा, इस टाइप के लिए ये फिक्स है। सुनिएगा, चावल के रेट में 40% की वृद्धि हुई, ठीक? वो आदमी मात्र 20% का ही वृद्धि करना चाहता है अपने खर्च में, रेट में वृद्धि हो रहा है और ये खर्च में वृद्धि कर रहा है ना? तो खपत को कितना कम कर देगा, ये फिक्स लैंग्वेज का, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बेसिक है, सब कुछ भूल जाइएगा तो ये बेसिक हमेशा याद रहेगा, ठीक है? चावल के रेट में 20% सॉरी 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई मतलब कितना हो गया, 140 हो गया, 100 से कितना हो गया 140, कोई फ्रैक्शन फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, डायरेक्ट इसके लिए कितना हो गया 140। एक व्यक्ति अपना खर्चा मात्र 20% ही बढ़ाना चाहता है, तो कितना बढ़ाने के लिए कितना हो गया 120, जीरो से जीरो काटिए, सात और ये छः, एक का कमी हुआ सात में, सीधा आ जाएगा आंसर, ठीक है? सीधा आंसर आ जाएगा, कसम से अपने से बनाया थे, ठीक है? सुनिए, हो जाता है, आप लोग बना लीजिए, जब 10 बार क्वेश्चन वा कीजिएगा ना दिमाग में अपने आप नया नया चीज़ आने लगता है, अपने से हो जाता है आप लोग का, हम जादू नहीं किए थे, ठीक है? अपने दिमाग में आया था, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना, ठीक है? जैसे चावल चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, ठीक है? एक व्यक्ति मात्र 30% ही वृद्धि करना चाहता है खर्च में, उपभोग कितना कम कर देगा, सीधा 135 और ये 130 काट दीजिए, कितना कमी आया उतना कर दीजिए, आ जाएगा ना? तब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बनाइएगा मत, खाली सुनिए सुनिए, आप लोग पढ़िएगा मत, सुनिए मेरा बात। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है,
एक व्यक्ति अपने व्यय खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, 28% का वृद्धि हुआ है ना, मतलब कितना हो गया 128, खर्चवा केवल 100, केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है, मतलब कितना 122, तो उपभोग में कितना परसेंट का कमी करेगा, दो से काटिए इसको 64 और ये 61, कितना कमी हुआ, तीन का किसमें 64 में इंटू 100 आंसर। ये या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इससे ये हुआ ना 3 64, तीन जो है तो 64 है, कितना परसेंट है, तीन देखिए 64 का 10% 6.4 हुआ, 5% 3.2 हुआ, मतलब 5% तो कम है, 5% से कम कौन सा आंसर है, लगभग में तुरंत नजदीक 4.5.3 कहां से लगा, 5% कम बोल रहे हैं तो 4.4, वो दोनों में से कोई होगा, सॉल्व कर लीजिएगा सर, ये तीन जो है सो 5% से कम है ना, बस दिख तो रहा है सामने, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है, चार से कर लीजिए ना भाई, चार से ये 16 बार में, चार से ये जाएगा 25 बार में, 25 तीया 75 और ये 16, 16 चौक 64 बचा 11 और एक 0 7 आ गया लगभग में, सॉल्यूट टेबल याद नहीं, कितना नंबर था, समय ये बोला क्वेश्चन नंबर 65 एकदम डिट्टो यही है, पढ़िए पढ़िएगा आप लोग साथ में, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए सब लोग, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग, मोबाइल ऑफ हो गया क्या, अच्छा दिखा दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है सुनिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि होती है और सुनीता पेट्रोल में केवल 12% ही खर्च करना चाहती, वही है ना, वृद्धि हुआ केवल खर्च करना चाहती है 12%, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 19% हुआ है, तो कितना हो गया 119, खर्च कितना करना चाहती है, मतलब 100, अब उपभोग में कितना कम करना पड़ेगा, 7 का कमी करना पड़ेगा, कितना में 119 में इंटू 100, बस आंसर 7 point something, 7 6 कुछ ना, 19 6 7 5 6, हाँ 6 point कुछ,
6.5 होगा, वही तो 5 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.82 आ रहा ना, हाँ तो मतलब 6 आंसर, 5.8 मतलब 6 आंसर, 5.5 से बेसी मतलब 6। धोनेंगे ना उनको बोल रहे, उतारे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पढ़िए सब लोग, पढ़िए 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 66। एंजेला पढ़िए क्वेश्चन, क्या सुन कर रहे हैं। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई है, पढ़िए वहां सब लोग, डीजल की कीमत में कितना 26% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति केवल 15% तक ही अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, किस प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक सही उसे अपना खपत कम करना पड़ेगा। सेम है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 66 कितना मूल्य बढ़ गया है 26 पे, कितना हो गया 100, बढ़ाना चाहता है 100, मतलब 15 हो गया, देख कितना कमी करना चाहता है 11 का कमी करना चाहता है, किसमें 126 में, 10% है 12.6, ठीक है तो उसमें 1 पॉइंट ये जाएगा 9 पॉइंट, आंसर 8 पॉइंट कुछ 8.7, बाप रे साला एकदम अप्रोक्स में दे ले साले आंसर। सॉल्व करना कर लीजिए, कितना बार में जाएगा ये 63 और ये 50, 63 यही ना, 8 बार में कितना आ जाएगा 480 और 24 504, हाँ ठीक 8 पॉइंट कुछ आंसर। समझ में आया बोला लेबिन, ठीक आलोक चंदन क्लियर है सब ना, टिंकू बुझाया, जेम्स आ रहा है ना, विमल कहीं दिक्कत नहीं, ठीक। टाइम एंड वर्क का किरण का बुक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, डूब जाइए जिनका हो चुका है। टाइम एंड वर्क का जो किरण का बुक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो वही जो कल नहीं वीडियो भैया थे चाय पीते उतना भर पनिया लेकर के, है ना, हम वापस से सब लोग डूब जाइए, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो। वैसे ही पढ़ के कोई फायदा नहीं है, खाली पढ़ने से वैसे नौकरी निकलेगा नहीं, जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो ओकरे में डूब जाइए, खूबसूरत निकल जाइए काम कमाने वास्ते, इससे अच्छा है कि कुछ डूबिए जाइए। चल मजदूर के लिए फेमस है सूरत हुआ, बैंगलोर हुआ, सब खोजता है मजदूरी के मजदूर आदमी, और झारखंड बिहार से मजबूत मजदूर है क्या, समझे, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट भी तो आदमी को पढ़ाता नहीं, नौकरी निकालता नहीं, का है उन लोगों को पैसा देता है, अगर हर एक स्टेट अगर सब लोग हर एक स्टेट अगर डेवलप कर जाएगा तो झारखंड का आदमी, गुजरात में फैक्ट्रियां जो बनता है उसमें काम कौन करेगा, यूपी में जो फैक्ट्री बनता है, बेंगलोर में जो फैक्ट्री सब बनता है बड़का बड़का उसमें काम कौन करेगा, दिल्ली का आदमी कभी दिल्ली का बिल्डिंग नहीं बनाता है, बिहार का आदमी झारखंड का आदमी दिल्ली की बिल्डिंग बनाता है, समझे, ये सब पॉलिटिक्स है, अरे कचड़ा है सर, दिमाग आप लोग जानते जान नहीं समझ सकते, एज होगा ना अपने आप समझ जाइएगा, समझे, ये सब कितना वैकेंसी खाली है, काय नहीं भर रहा है, कैंसिल क्यों कर रहे हैं, अरे बहुत पैसा आता है इन लोग के पास, नौकरी रोकने के लिए पैसा आता है इन लोग के पास, आपको क्या पता है, अदर स्टेट का आदमी लोग पैसा देता है कहीं नौकरी रोकने के लिए, गुजरात में आपका क्या रिलायंस का इतना सारा कंपनी है, बड़ा बड़ा सीमेंट पेट्रोल पंप ये सब सारा, इतना सारा मॉल ये सब बड़का बड़का है, हर कोई पड़ जाएगा तो कौन काम करेगा यहाँ पर, हाँ
अंग्रेज जब यहाँ पर अपना फैक्ट्री डाला था है ना, उस समय इधर इन लोग से उतना कांटेक्ट, हम लोग का उस समय इंडियन में पाठशाला था भाई, वेद ग्रंथ पढ़ाया जाता था, सब कोई समझ गया सबसे पहले पाठशाला तोड़ो, इसीलिए नालंदा और ये विक्रमशिला विक्रम सब सब तोड़ा गया था, सब भयानक भयानक आदमी लोग मिल रहा था इन लोग को, मजदूरवा कहां से लाता, अब तोड़ा, अब इंग्लैंड से आदमी लोग लाए तो यहां काम ना करे सस्ता में, अब साला पढ़ा लिखा आदमी लोग कभी सस्ता में काम करेगा, कभी नहीं करेगा, तब इंग्लैंड वाला आदमी रख भी नहीं करता, अब इंडियन लोग पढ़ा नहीं, अब इन लोग मजदूर बनने के लिए तैयार, बहुत लंबा 200 साल राज किए, मजाक लगता 190 साल राज किए, 190 साल में 3 पुश्ती तक लोग बढ़ा दिया, बहुत बड़ा बात है, अगर पॉलिटिक्स अगर नेता लोग का समझ जाइएगा ना तो आप लोग परे हो जाइएगा, समझे, आप लोग क्या लगता है कि बागल अगल बगल जो गाली ग्लोज देता है नेतवेन सब, राहुल गांधी और मोदी हाँ एक दूसरे को गाली देता है ना बाहर, संविधान संसद के बाहर दोनों मिलता होगा तब क्या चल रहा है, चाय पानी पी लिया चलता होगा इन लोग का, अरे दुनिया में दिखाने के लिए दुश्मन है उतना, यहाँ हर चीज में कट्टर दुश्मन कोई ना, ठीक है कट्टर दुश्मन कोई ना, एक दूसरे का सब कोई तल एक दूसरे का सब कोई पीछे तलवा चाटता है, सब सब देख करके देखेगा और सब काम वही करेगा, राहुल गांधी निकला है साउथ से भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, हाँ और गधा पप्पू को बताओ कि भारत टूटा कब था, भारत जोड़ने का काम उसका बप्पा दादा बाप दादा लोग कर लिया, उसका बाप दादा ने उसका असली बाप दादा कर दिया, वल्लभ भाई पटेल ही सब वो सब निकले, 589 रियासत सबको एक कर दिए, हर एक राजा को एक किए, मजाक लगता है 589 सब 550 प्लस राजा लोग को ये बोलना कि हम लोग अखंड भारत बनाने के लिए जा रहे हैं, आप अपना राजा पद को त्याग करके भारत में आ जाइए, और सब लोग एग्री कर गए कि जितना जमीन सब दान कर दो, क्या बोले होंगे, यहाँ एक चौक होने वाला है ना वो हो जाएगा, छोड़ दीजिए, एक फुट्टी कौड़ी को देने के तैयार नहीं होता है, और यहाँ पर क्या क्या बोले क्या क्या मनाए।